मी शिका, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो फॉर टुडेज वीडियो, वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज टू द फेमस स्ट्रीट ऑफ द कॉमर्शियल स्ट्रीट, शिवाजी नगर। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। मिलते हैं वहां जाके। सो गाइज, द थिंग यू कैन सी इन द लेफ्ट साइड, इट्स द बस स्टैंड ऑफ शिवाजी नगर। आपको बस में बोला है कि हमको शिवाजी नगर जाना है, एंड दिस इज योर फर्स्ट लैंडमार्क विच इज़ द अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज। सामने आपको दिख रहा होगा ज्योति कैफ़े, वहाँ से लेना है आपको राइट। एंड अदर थिंग आपको दिखेगा ज्योति कैफ़े के बिल्कुल सामने, आप देखो वहाँ दिखेगा आपको एक चर्च। सो मार्केट जो है यहीं से स्टार्ट हो जाती है, एंड द टाइम आई विल रिकमेंड यू इज़ 11 to 11:30 के बीच में। अगर आप आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं मिलेगा, एंड प्राइसेस भी बहुत कम रहती है उस टाइम। कितना है? 550। दाम बोल छो तो। सो दीज आर द इयर रिंग जो कि 10 रुपीज़ ईच के हैं, बहुत अमेजिंग क्वालिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा। आपको जगह जगह पे ऐसे भैया दिखेंगे लेकिन एंट्री पे दिखेंगे, बीच मार्केट में आपको 10 रुपीज़ वाले इयर रिंग तो नहीं मिलेंगे। सो या यहाँ से आप बहुत सारी इयर रिंग चूज़ कर सकते हो एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। इस बार विंटर कलेक्शन बहुत अच्छी थी, एंड अदर देन दैट बहुत ज़्यादा ही कलेक्शन थी इस बार ड्रेसेस की, पैंट्स की, स्वेटर्स की। सो यहाँ पे ना अंकल दे रहे थे सब कुछ 150 रुपीज़ का, एंड आप जल्दी जाओगे तो आपको अच्छे पीसेस मिल जाएंगे। बट लेटर ऑन जब मैं वहाँ मार्केट से निकल रही थी तो मुझे ये अंकल दिखे ही नहीं, तो देयर यू नो कि आपको जल्दी जाना है एंड अपने लिए जो भी चाहिए वो जल्दी पिक करना है। जस्ट लुक एट दिस हाफ जैकेट्स, ये फर वाले बहुत इन ट्रेंड है, मीशो वगैरह में ऑनलाइन में आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा ये। देन हम बढ़ते गए आगे। डू डेफिनेटली कैरी योर ओन टोट बैग, क्योंकि ये प्लास्टिक सी देते हैं यहाँ पे सारे लोग। सो या दिस इज़ द मॉर्निंग मार्केट, एंड बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, बट भीड़ हो जाती है। सो ऑल दिस फ्लावर गार्लेंड्स आर फॉर ₹100 बड़े वाले, एंड छोटे वाले देर आर 3 for ₹100 विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। ये खुद से बनाते हैं घर पे, एंड या यहाँ पे ये सारे जो ज्वेलरी हैं ये सारे 100 रुपीज़ के थे, मतलब आप कुछ भी लेते हो तो आपको 100 रुपीज़ का ही पड़ेगा। फॉर द नेक पीसेज आई फेल्ट कि ठीक है, लाइक द प्राइस इज़ वेरी गुड, बट फॉर सम इयर रिंग्स आई फेल्ट कि इयर रिंग्स बहुत छोटे हैं एंड वो 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। बट अदर देन दैट देर आर पीसेज जो कि 100 रुपीज़ में बिल्कुल ही वर्थ इट थे, लाइक लुक एट दिस नेक पीसेज, ओ माई गॉड। फिर जीन्सेज एंड प्लाजोज ये सारे ना बहुत ही रैंडम रेट्स के हैं। अगर मैं रिंग्स की बात करूँ तो यू विल गेट 50 रुपीज़ स्टार्टिंग में, एंड मार्केट के एंड होने पे ना आपको 50 रुपीज़ के मिल जाएंगे। कुर्तीज़ के बहुत अच्छे कलेक्शंस थे इस बार, लाइक ये रोड साइड वाली क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, ऐसी नहीं है कि कोई भी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। 250 to 350 रुपीज़ में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कुर्ती मिल जाएगी, जो आपको ऑनलाइन में ऑलमोस्ट 600 to 700 की मिलती है वो आराम से 200 to 350 के अंदर में आपको मिल जाएंगी। देन देख लो यहाँ पे जो ये हुडीज़ थी ना, बहुत ही चटैक कलर की थी, लाइक बिल्कुल इन ट्रेंड वाले कलर्स थे, ओनली 300 रुपीज़, बारगेनिंग बिल्कुल नहीं कर रहे थे वो। तो आप कलर्स देख लो, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे। बैग की कलेक्शन भी इस बार बहुत ही ज़्यादा थी, लाइक या डेफिनेटली, और प्राइसेस भी ना ठीक थे, लाइक ऐसे नहीं थे कि आपको बार्गेनिंग करना पड़े। मेन अट्रैक्शन फॉर शिवाजी नगर आर द स्टूडेंट्स, तो आप ये चीज़ ध्यान पे रखना कि आपको जाके बिल्कुल टूट नहीं पड़ना है मार्केट में। आप ढूंढो सेम टाइप की चीज़ें, आपको 100 शॉप्स में दिखेंगी, तो देयर यू हैव टू जस्ट सी कि कौन से शॉप में, क्योंकि आप एक जगह ले लोगे एंड जस्ट नेक्स्ट टू दैट आपको वो चीज़ ना कम से कम 100 रुपीज़ लेस में मिल जाएगी। तो बेकार का आप एक जगह पे मत लेना, जैसे घूम लो देन लेना। ये होलोग्राफिक प्रिंट वाली जो बैग्स है इतनी इन ट्रेंड है, यहाँ पे वो 350 बोल रहे थे, आगे जाके हमें वो 250 का दिखा। नाउ दिस इज़ द सेंटर पॉइंट शॉप, यहाँ से आपको चूज़ करना है कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट। अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आपको दिखेगा फुटवेयर, राइट जाओगे तो आपको ये मस्जिद आएगा। थोड़ा सा लाइक 15 स्टेप्स में देयर जस्ट सी दिस शॉप्स, एंड यहाँ से आपको स्ट्रेट लेना है।
एंड आई थिंक कि आपके ये वाले पूरे लेन में ना आपके 2-3 घंटे आराम से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुर्तीज़, इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर, ज्वेलरी, सारे के सारे चीज़ें ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। टॉप्स 250 होते हैं, तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द शॉप्स में ना वेस्टर्न ड्रेसेस की जो प्राइसिंग होती है वो सेम ही होती है, क्योंकि ये शॉप है। देन बात करते हैं इंडियन वेयर की, तो कोशिश करना कि आप बहुत ज़्यादा बार्गेन करो। इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इंडियन वेयर देन डू लेट मी नो, आई बी वेरी हैप्पी टू मेक इट। देन मुझे ना यहाँ पे ब्लेजर्स दिखे, सो आई थॉट कि मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं फॉर्मल वेयर में वीडियो बनाऊँ। सो या अगर आप, आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आज की वीडियो में। देन सी, ये वाले शॉप के ऊपर ही ना ये स्टिच्ड साड़ीज़ भी मिल रहे थे। आई डोंट नो अबाउट द प्राइस, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे वीडियोस बनाऊँगी। मेंस वेयर पे भी बहुत अच्छे कलेक्शन थे फॉर गिफ्टिंग पर्पज़ भी। सामने ही ये एक शॉप थी नेशनल मार्ट, यहाँ पे बहुत ही सोबर कुर्ती के सेट्स मिल रहे थे 300-400 रुपीज़ में। फिर फैशन स्टाइल जो ये शॉप है इसके अंदर हम गए, एंड मुझे यहाँ की ना ड्रेसेस की कलेक्शन बहुत पसंद आई। तो पहले आप थोड़ी सी इसकी कलेक्शन देख लो। डेनिम जैकेट्स कितने हैं? 950 स्टार्टिंग में, डिपेंड ऑन साइजेस यू गेट दैट प्लेस। ओके, 57 टिल 4XL भी है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस शॉप, वेस्टर्न स्टाइल नेम याद रखना। यहाँ पे ओरिजिनल ज़ारा के जीन्स मिल रहे थे 100 rupees, 1000 डिपेंडिंग अपॉन द साइज, लाइक मैक्स टू मैक्स 1000 मिल रहे थे। सो यहाँ की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, लाइक मैं इस शॉप को ना नॉटी से कंपेयर कर सकती हूँ। देन मुझे ना यहाँ पे ब्लेजर्स दिखे अगेन, सो आई वेंट टू वेरीफाई कि क्या है प्राइसेस क्या नहीं। तो आप ज़रा प्राइसेस सुन लो। सो द क्वालिटी एंड कलर स्कीम वॉज वेरी वेरी नाइस। लाइक अगर आपको चाहिए, आप फॉर्मल्स लेना चाहते हो, सो डेफिनेटली यू कैन पे दैट अमाउंट, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से जो वो प्राइस ले रहे थे वो ठीक थी। नाउ फॉर जीन्स, आई थिंक कि यहाँ पे इतनी सारी कलेक्शन थी जीन्स की, हर कलर, हर साइज़, हर पैटर्न की जीन्सेस अवेलेबल थी। आपको जैसे चाहिए आपको मिल जाएगी। लाइक अगर आप बात करते हो कि कलरफुल लैवेंडर, ब्राउन, ग्रीन जीन्स की, वो भी मिलेगी। देन शॉर्ट्स भी अवेलेबल थे, स्कर्ट्स भी अवेलेबल थी। तो प्राइसेस वेरी कर रही थी फ्रॉम 300-650 rupees शॉर्ट्स की, और स्कर्ट्स की बात कर रही हूँ। अगर इंडियन
इंडियन वेयर की बात करूँ तो डेफिनेटली आप एक शॉप में जाके ही मत ले लेना, हो सकता है कि एक शॉप आपके साथ बार्गेनिंग ना करे, लेकिन सेम सेम ड्रेस आपको दूसरे शॉप्स में मिलेंगी, विदाउट बार्गेनिंग भी आपको कभी कभी कम रेट में मिल जाता है। सो डेफिनेटली ट्राई बार्गेनिंग, बहुत कम बोलना, अगर वो 1500 बोल रहे हैं तो कम से कम उसे आप 700 बोलना, तब जाके वो आपको 1000 तक मिलेगी। सो दिस इज़ द वे यू कैन डू बार्गेनिंग। चिकनकारी कुर्तीज़ एंड ये सब के प्राइसेस मुझे थोड़े ज़्यादा तो लगे, बिकॉज जस्ट फॉर कुर्ती देवर सेइंग ₹1200। सो डेफिनेटली मैं चिकनकारी तो यहाँ से नहीं लेने वाली हूँ। एक शॉप थी यहाँ के कुर्ती कलेक्शन, ओ माई गॉड, आई जस्ट फेल इन लव विद दिस पिंक वन, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, मुझे लगा कि यार मेरे घर में किसी की शादी हो तो मैं ये ही लेके जाऊँगी। सो ये शॉप ना आप भी याद रखना, यहाँ पे मुझे नहीं पता बार्गेनिंग होगी या नहीं। 200 के अंदर आराम से मिल जाएगी आपको, वैनिटी अपनी तैयार करनी है तो डेफिनेटली बहुत ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग से प्रिंट भी मिल जाएंगे आपको। देन बकेट हैट्स आर फॉर ₹100 to ₹150, आप वो ना आपको ₹150 to ₹250 भी बोल सकते हैं, यू हैव टू बार्गेन एंड गेट इट इन ₹100, वो दे देंगे ठीक है। बेल्ट्स एंड ऑल दैट सबकी ही आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग इज द मेन की हियर। देन यहाँ पे ना बहुत सारे ही विंटर वेयर मिल रही थी तो आई थॉट कि मैं चेक करती हूँ, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि कुछ तो बहुत ज़्यादा ओवरसाइज थे एंड कुछ ऑलरेडी लोगों ने ले रखे थे, तो मुझे एक वाइट कलर का ओवरसाइज तो चाहिए था बट मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे ना प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा लगी मुझे, क्योंकि 300 to 250 से लेके 600-700 तक थे। देन बात करूँ बैग्स की, तो इस बार स्लिंग बैग की बहुत सही कलेक्शन आ रखी थी, लाइक आप इजीली यहाँ से 2-3 बैग तो ले ही जाओगे अगर आप बैग्स लेने आ रहे हो तो। अगेन प्राइसेस वर, ये वॉलेट सारे 100-150 से थे एंड स्लिंग बैग 250 to 350 मैक्सिमम, आपको बार्गेनिंग करके 350 तक ले लेना है वो कितना भी प्राइस बोले। जैन में क्या क्या अवेलेबल है? जैन में सैंडविच, भेल है। आपको वेज रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि शॉपिंग करते करते हम बहुत थक जाते हैं तो हमें तो पेट पूजा करनी पड़ती है। सो दिस इज अ स्पेशल भेल विदाउट ऑनियन गार्लिक एंड अ मैंगो मिल्क शेक। फिर यहाँ पे ना लेडीज टॉप 50-100 rupees के ड्रेसेस मिल रहे थे, इतनी भीड़ थी कि मुझे तो कोई देखने ही नहीं दे रहा था। सो या दैट्स व्हाट, तो मुझे जितने भी दिखे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि लोग ले रहे थे यार, ले रहे थे सब कुछ, फॉर्मल पैंट्स 50 rupees के, 150 rupees के। सो या दैट्स इट। फिर बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे एंड लुक एट द फुटवेयर कलेक्शन, ओ माई गॉड, लाइक इतने ही सुंदर ट्रांसपेरेंट हील्स थे, मुझे काफ़ी पसंद आए। नेक्स्ट ये जो ब्लाउजेस थी ये ना 350 rupees की थी, पैडेड थी तो बहुत सही क्वालिटी की थी, बट जो भैया है वो बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करना चाह रहे थे। सो या देन मैंने ना ये टेक्स मार्ट के बारे में बहुत सुना था तो आई थॉट कि एक बार जाके देखते हैं, मैंने सुना था वहाँ पे 30-40 rupees के क्लोथ्स मिलते हैं। तो अंदर जाते ही मुझे किड सेक्शन दिखा, फिर मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई इनके फुटवेयर कलेक्शन से क्योंकि इनके पास कोई भी हील्स, कोई भी फ्लैट्स, कुछ भी नहीं थे, मतलब अच्छे वाले। ये बच्चों का मुझे एक बूट दिखा जो कि H&M का था। हाँ डेफिनेटली जो सारे क्लोथ्स एंड फुटवेयर थे ये सारे ही ब्रांडेड थे एंड इनकी प्राइसेस जो MRP से बहुत कम थी, बट कलेक्शन मुझे कुछ खास लगी नहीं। लाइक लुक एट दिस टॉप, दिस वॉज ओनली फॉर ₹180 एंड ये आई थिंक पैंटलून्स की है, तो अगर आप ऐसे प्रेफर करते हो तो आप ले सकते हो, ₹180 इज़ नॉट दैट बैड। बट देन अगेन कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक विंटर वेयर एंड ऑल, जो प्राइस बाहर होती है वैसी प्राइस थी, लाइक ₹399, ₹700 ऐसी की भी यहाँ पे क्लोदिंग अवेलेबल थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। सो या इट वॉज़ नॉट वेरी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था बट ओकेज था। समर वेयर यहाँ पे ज़्यादा अफोर्डेबल थे, विंटर वेयर बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं थे। देन दिस इज़ अ शॉप अटायर हब, ये मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ये मेरे टॉप
लाइक शॉप्स में से है। देन दिस रॉयल लेडी शॉप, यहाँ पे भी ना आपको बहुत ट्रेंडिंग चीज़ें मिलेंगी, लाइक लुक एट द कॉर्सेट टॉप्स एंड द कार्गो जीन्स, बहुत इन ट्रेंड है। प्राइसेस भी अंडर 1000 मिलेगी आपको। वाले शॉप के बारे में मैंने बहुत बड़ी बात की है, शेप्स एंड शेड्स, गिफ्ट टॉय सब कुछ मिले यहाँ पे आपको, मेकअप से लेके होम डेकोर, किचन आइटम्स, गिफ्टिंग पर्पस, फिर फैंसी जो सारी चीज़ें होती हैं इतनी ही ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है ना कि आप बस खो ही जाओगे यहाँ जाके। बहुत बड़ी शॉप है तो यहाँ से ना मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेस करी है, लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से मेकअप भी परचेस करूँ, बट आई एम लिटिल बिट स्कैर्ड, बट डू लेट मी नो इफ़ यू वांट कि मैं शिवाजी नगर का कोई मेकअप वीडियो करूँ, लाइक आई परचेज एवरीथिंग फ्रॉम शिवाजी नगर ओनली एंड देन आई डू अ फुल फेस ऑफ मेकअप, डू लेट मी नो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लाइक आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यहाँ पे इतनी ही सारी चीज़ें, लिप लाइनर, काजल, आई लाइनर, सब कुछ अवेलेबल है। लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ शर्ट्स जो कि चेकर्ड प्रिंट में है एंड ऑल दैट, तो आप नॉटी में जा सकते हो। आई थिंक नॉटी के यहाँ पूरे कॉमर्शियल स्ट्रीट में 4-5 शॉप्स होंगी जिनकी कलेक्शन ओवरऑल सेम ही होती है, बट ह्यूज कलेक्शन होती है, यू गेट टू चूज फ्रॉम अ लॉट, लाइक बहुत ह्यूज कलेक्शन होती है बेसिकली। सो या डेफिनेटली आप चेक करना। नाउ अदर देन दैट स्ट्रीट शॉपिंग, यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स भी है, लाइक जूडियो, फैब इंडिया, फिर डब्ल्यू के शॉप्स है, सोच है, मान्यवर है, लाइक सारे ही बड़े शॉप्स भी यहाँ पे, मिनीसो वगैरह भी है। मुझे हालांकि मुझे आज तक मिनीसो कभी दिखा नहीं है यहाँ पे, बट मिनीसो है। नाउ यहाँ पे ट्रेडिशनल टाइप के बैग्स में भी ना, लाइक एथनिक के साथ कैरी करने के लिए ये पोटलीज मिल रही थी 300 रुपीज़ में। यू गॉट टू चूज़ सो मैनी फुटवेयर, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के फुटवेयर्स थे। फ्लैट्स के लिए यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट रखे थे वो लोग, 200 यहाँ पे आपको स्लाइड्स वगैरह सब मिल रहे थे। सो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो ये सारे शॉप्स भी। देन अगेन हम ना वो मस्जिद के पास ही आ गए जहाँ से हमने ये लेन ली थी एंड हमने राइट लिया था। सो अब हम जाएंगे स्ट्रेट क्योंकि हमें थोड़ी सी फुटवेयर चाहिए। नाउ योर लैंडमार्क इज़ दिस शॉप विच इज़ फुट प्रिंट, तो यहाँ से आपको ले लेना है राइट एंड ये पूरी जो लेन है ये पूरी की पूरी फुटवेयर्स की लेन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस, जहाँ एक शॉप में आपको वो 250 बोलेंगे तो नेक्स्ट शॉप में आपको वो 100 भी बोल सकते हैं। आपको डेड एंड तक जाना है ना, आपको ऐसा एक सर्कल दिखेगा वहाँ से आपको ले लेना है राइट, बिल्कुल और कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल राइट ले लेना है आपको। यहाँ पे ना कुर्तीज़ रहती हैं, सो दिस इज़ वे यू कैन जस्ट सी। 200 रुपीज़ में देखो कितनी ही सही सही बैग्स हैं यहाँ पे। सो ये गलती मत करना कि मार्केट के स्टार्टिंग में ही आप ले लो, क्योंकि अंदर अंदर छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जहाँ पे आपको बहुत अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हम आ गए हमारे फेवरेट स्टोर में, लकी फुटवेयर। यहाँ पे ना लाइक आपको बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई एम डैम श्योर, क्योंकि यहाँ के जो फुटवेयर्स हैं वो डेफिनेटली वर्थ द प्राइस है। 250 रुपीज़ में आपको अमेजिंग ट्रेंडी हील्स मिल जाएंगी, लाइक जस्ट लुक एट दिस येलो कलर हील, अभी मैं इसको आपको पहन के ट्राई ऑन दिखाऊंगी। 100 रुपीज़ में डेली वेयर के फ्लैट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, अमेजिंग क्वालिटी, अमेजिंग कलर, बहुत ही प्यारे हील्स है। वाइट वाला तो मुझे काफ़ी पसंद आया लेकिन मुझे इस बार कुछ हैवी चाहिए था। एंड लुक एट दिस ट्रांसपेरेंट वन, वाओ, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही प्यारा। फ्लैट्स के लिए भी जस्ट 100 रुपीज़, ओ माय गॉड, कितने ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लाइक इनके पास ना हर टाइप के होते हैं, लाइक लैवेंडर, लाइक मिंट ग्रीन, सारे टाइप के। 150 में आपको कितने ही टाइप के ऐसे पम्प वाले शूज़ मिल जाएंगे जो कि आप इजीली कॉलेज वेयर में भी पहन सकते हो। इसमें ना पूरी थ्रेड वर्क करी गई थी, ओनली 150 रुपीज़। दीज फ्लैट्स ओनली 100 रुपीज़, सो मच इन ट्रेंड।
बिल्कुल भी ट्रेंड से पीछे नहीं हटती है ये शॉप, इसलिए मुझे ये शॉप बहुत पसंद आती है फुटवेयर के लिए। आई ऑलवेज हॉप ऑन टू दिस शॉप ओनली। बस हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड लास्ट मैंने लिया यहाँ से एक काफ्तान ड्रेस, तो आप गेस करो कि मैंने कौन सा लिया रहेगा। सो या यहाँ पे ना सारी की सारी कुर्ती, सारी की सारी ड्रेसेस बस 250 रुपीज़ की थी, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बहुत भीड़ लग गई थी यार। नेक्स्ट फॉर ओवरसाइज टी शर्ट्स, डेफिनेटली बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ कैन हॉप ऑन टू दिस पर्टिकुलर। यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे ही रहते हैं, ये कभी नहीं हटते, ये आपको हमेशा दिखेंगे। तो बिल्कुल चर्च के ऑपोजिट साइड में ही आपको ये दिखेंगी, तो आप यहाँ से ले सकते हो। हाय गाइस, सो दिस इज़ द हॉल टाइम एंड अभी ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कल कमर्शियल स्ट्रीट से क्या किया है। नॉट एग्जैक्टली कल, इट्स बीन अ वीक सिंस आई वेंट देयर, तो इसीलिए सारी चीज़ें ना थोड़ी इधर उधर हो गई, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मैंने शूट में यूज़ कर लिया है। एंड सो दैट्स व्हाई विदाउट एनी ब्लैबरिंग, तो चलो मैं दिखाती हूँ। तो मैं उसी सिक्वेंस में जाऊँगी जिस सिक्वेंस में मैंने चीज़ें शॉप से परचेस करी। सो फर्स्ट आर दिस 10 रुपीज़ वाले इयररिंग, आप जस्ट देख लो, मैंने ना ये काफ़ी बारी पहन ली है। सो मुझे लगा था ना ये दो है, तो ऐसी भी होती है वहाँ पे 10 रुपीज़ में आपको 2-3 इयररिंग मिल जाते हैं वहाँ, मतलब एक ही पैकेट में ना रहते हैं, कॉम्बो जैसा आप बोल सकते हो। तो आई थॉट कि बट ये एक ही है एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये 10 रुपीज़ का है, लग रहा है कि मैंने किसी हाई एंड ब्रांड से परचेस करा है। मैंने ना टोटल 5 या 6 इयररिंग वहाँ से परचेस करी थी, तो एक तो मम्मी ने शायद एक दो मेट को दे दिया होगा एंड मामा के पास भी है, तो मैं वो सब नहीं ला रही हूँ, जो मेरे पास है मैं वही दिखा रही हूँ आपको। तो आपको ना कुछ इस टाइप की पैकेजिंग से मिलती है ये, जस्ट ओपन इट एंड दिस इज द इयररिंग। बहुत ही कलरफुल एंड प्यारी सी इयररिंग है, बहुत ही ज़्यादा। एंड यहाँ दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, लाइक प्लेन वाइट टॉप या तो कलरफुल, कितना ही प्यारा लग रहा है। एंड आजकल कलरफुल बहुत इन ट्रेंड है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े एंड हमें मिला एक ब्लेजर, तो आपने पहले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा। सो दिस इज द ब्लेजर एंड आप इसकी क्वालिटी ना आप बिलीव ही नहीं कर सकते, इतनी थिक क्वालिटी जैसी नो प्रॉपर ब्लेजर जैसी होनी चाहिए। इट्स एग्जैक्टली लाइक सेम एंड ये ना एक ही पीस बचा था, तो दैट्स वाई आई टोल्ड पहले भी कि आप जल्दी जाओ तो आप अच्छी चीज़ें पिक कर पाओगे ऐसे वाले शॉप से। तो ये बस 150 का मिला मुझे, लाइक 150 का, इतना भारी इतना अच्छा क्वालिटी का ब्लेजर। एक मुझे लगा कि मुझे बैंगलोर में ही सरोजनी मिल गया है, आई फेल्ट दैट। फिर थोड़ा आगे बढ़े एंड देयर वाज अ अंकल जो कि 100 रुपीज़ के सारे ज्वेलरी सेल कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो वहाँ से ना मैंने ये झुमके लिए ब्लैक कलर के, तो दिस इज़ हाउ दिस लुक्स लाइक, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है एंड इट्स नाइस। नेक्स्ट अब मैंने वहाँ से ही ये लॉन्ग चेन लिया, ऐसा दिखता है ये। इसमें बहुत सारे वैरायटीज थे एंड आई फील कि मैंने इतना ज़्यादा वहाँ पे नेक पीसेस देख लिए ना कि मैं कंफ्यूज हो गया एंड मैं ये उठा के लेके आई। एक्चुअली मुझे वो घुंघरू वाले चाहिए थे, जो थोड़े बहुत, ये जो चेन है वो बहुत मोटी सी थी ना। फिर हम ज़्यादा कुछ नहीं है यार इस बार दिखाने के लिए। नॉटी के नीचे जो शॉप है जहाँ पे आपको ऑल इन वन सब कुछ मिलता है, क्योंकि आपने देखा वहाँ से ना मैंने ये नेल्स पिक करे, तो मैंने 3 ऐसे नेल्स पिक करे, एक वाइट वाली जो मैंने यूज़ कर लिया ऑलरेडी। सो अगर आप यहाँ से नेल्स लेते हो तो मैं बता दूँ आपको, आपको ना बिल्कुल आपकी नेल बेड की जो साइज़ है ना उसी की मिलेगी। लाइक मैंने बहुत सारे आर्टिफिशियल नेल्स ट्राई करे बट वो इतने चौड़े होते हैं कि नेल बेड पे बैठते नहीं है। बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू सी वन नेल जो कि मतलब बिल्कुल परफेक्टली बैठ रही थी। इनफैक्ट वो छोटी थी, मतलब अगर आपके फिंगर्स भी बहुत, नेल्स बहुत पतले हैं, लाइक जो बेड है वो बेड साइज है वो बहुत पतला है, तो आप ले सकते हो यहाँ से वाली। ये ओम्ब्रे ट्रांसपेरेंट ग्रीन वाली जो है ये मिली 30 रुपीज़ की, नहीं ये मिली है 50 रुपीज़ की। ये ऑरेंज वाली है, ये हल्की सी मोटी है, आई वोंट से दैट, क्योंकि हाँ इसमें बहुत सारे नेल्स है वैसे तो, देखो कितने सारे नेल्स है। तो ये ना ये 30 की, और जो एक और लिया था वो 40 की थी वाइट वाली। इस बार आई थॉट ना कि मुझे एक हील्स चाहिए, तो आई वेंट विद दीज हील्स, लुक एट देम, वाओ बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा। एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू दैट शॉप, क्योंकि उनकी ना खुद की मैन्युफैक्चर है, तो आपको लाइक वो वारंटी दे देते हैं कि नहीं खराब होगी। तो या दैट्स व्हाट आई फेल वेरी गुड अबाउट दैट। मम्मा ने लिए ये कुशन वाले
फ्लैट्स जो कि इसका कुशनिंग बहुत अच्छा है, लाइक जस्ट सी, बहुत ही कंफर्टेबल है आफ्टर वेयरिंग। तो क्योंकि हम बहुत ही रिसेंटली एक जगह जाने वाले हैं ट्रिप पे, तो उसके लिए ना लाइक चलना है, ट्रेन है एंड ऑल दैट, तो वो बहुत अच्छी रहेगी इसके लिए, तो हमने ये पिक करा। सो हम वहाँ से निकल ही रहे थे लाइक ऑलमोस्ट 5-6 o'clock, तो ये काफ्तान वाली ड्रेसेस मिल रही थी। एक्चुअली आई थॉट कि ये ड्रेसेस है, बट देन आफ्टर वेयरिंग जब मैं घर आके पहनी तो ये मुझे ना कुर्ती जैसा लगा। सो व्हाट आई कैन डू इज, क्योंकि ये पूरा सेम ही तो है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी जो स्टिच है उसी को कंटिन्यू करके थोड़ा नीचे तक इतना दूर करके स्टिच कर सकते हैं एंड वो ड्रेस बन जाएगी। मोर ऑर लेस ये कुर्ती है, बट आप इसे ड्रेस के जैसे भी वेयर कर सकते हो। डेफिनेटली मैं तो इसे ड्रेस जैसे वेयर करने वाली हूँ। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे एंड बहुत ही प्यारा सा कलर, एंड या इसमें ऐसे ना इलास्टिक लगी हुई है। सो या गाइज, डू प्लीज सपोर्ट टू माई चैनल, क्योंकि मैं आपके ही लिए जाती हूँ उधर वीडियोज बनाने के लिए एंड खुद का इतना सामान खरीद के लेके आती हूँ। सो वॉट यू कैन डू इज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट्स वॉट यू कैन गिव इट टू मी, बस आप यही कर सकते हो, एंड हो सके तो एक कमेंट कर देना, दैट्स इट। सो या गाइज, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डू वॉच माई अदर पार्ट्स ऑफ शिवाजी नगर, जया नगर, मीशो के वीडियोज़ देखो। आप कहीं से भी हो तो आप मीशो के वीडियोज़ तो देख ही सकते हैं, एंड अगर आप बैंगलोर से हो तो जया नगर के वीडियोज़ एंड कॉमर्शियल स्ट्रीट के अदर वीडियोज़ देखना बिल्कुल मत भूलना। लाइक हर वीडियोज़ में अपना एक अलग इन्फॉर्मेशन होता है। सो या डू चेकआउट, वैसे आप शिवाजी नगर के वीडियोज़ को प्यार तो देते हो, बट या दिस इज़ द हार्ड टाइम एंड आई नीड योर सपोर्ट वेरी मच। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय।